Hello, a very good evening to all. So once again we are back to the class now. So today we are doing very special and you are learning how to make questions, okay? So please join with me. Alright, the heading itself is clear. How to frame means how to make WS questions with do, does. So do, does, present simple ke saath hum log kya kar rahe hain? Question bana rahe hain. Aap banaoge. Answer deke question banayenge, okay? So क्वेश्चन बनाते वक्त क्या ध्यान देना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल WH में कोई भी क्वेश्चन व्हाट वेयर हाउ लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डस लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट, पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है वो तारीफ करने वाला कॉम्प्लीमेंट, उसका स्पेल क्या होता है? COMPLI होता है. ये PLEMEN कॉम्प्लीमेंट मींस कंप्लीट करने वाला, राइट? सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पे शी गोज टू स्कूल ऑन फुट, वो स्कूल पैदल जाती है. तो अब आपको पूछना है कि वो कैसे जाती है, तो हाउ लगा दिया हम WH, उसके बाद में शी है तो क्या आएगा? डज. हाउ के बाद क्या आएगा? डज, डी ओ ई एस, हाउ डज. सब्जेक्ट क्या है? शी. हाउ डज शी, यहाँ पे गोज है तो फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? गो. गो कहाँ जाती है? ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल, कॉम्प्लीमेंट टू स्कूल. So, हमने क्या लिखा है? She goes to school on foot. She singular है, इसीलिए हमने क्या लगाया? How के बाद does, okay? How does she first form go to school? Complement. How does she go to school? Question है, answer होगा. She goes to school on foot. पैदल जाती है, okay? Number two, they learn English here. वो लोग यहाँ English सीखते हैं. आपको पूछना है, वो लोग क्या सीखते हैं? क्या के लिए क्या है? What? What दिया है हमने? तो उसके बाद दे है, दे मींस प्लूरल, तो क्या आएगा? डू. व्हाट डू दे लर्न हियर, वो लोग यहां क्या सीखते हैं? व्हाट डू दे लर्न हियर, राइट? थर्ड नंबर, ही गोज टू ऑफिस एट 10 AM, वो इस ऑफिस जाते हैं 10 बजे. आपको पूछना है व्हाट टाइम, तो ही है तो क्या आएगा? डज. व्हाट टाइम डज ही गो टू ऑफिस, राइट? फोर्थ नंबर, शी वर्क्स इन अ बैंक. शी वर्क्स इन अ बैंक, वो कहाँ जॉब करती है? वेयर सिंगुलर है तो डज होगा. वेयर डज शी वर्क, वर्क्स नहीं होगा, वर्क होगा, क्योंकि डज लगा दिया हमने, राइट? वेयर डज शी वर्क, शी वर्क्स इन अ बैंक, राइट? फाइव नंबर, आई कम हियर टू लर्न इंग्लिश, मैं यहाँ आता हूँ इंग्लिश सीखने के लिए. अब आपको पूछना है यहाँ आप क्यों आते हो? व्हाई डू यू कम हियर? दे स्पीक हिंदी एट होम, व्हिच लैंग्वेज डू दे स्पीक एट होम, राइट? He watches news on TV. वो TV news देखते हैं. What does he है तो does आएगा, right? What does he watch on TV? I meet her daily. मैं उसे रोज मिलता हूँ. कितने बार मिलते हैं आप उस लड़की से? How often? यहाँ I है तो you कर दो आप. How often do you meet her? I meet her daily, right? I brush my teeth twice a day. दिन में दो बार मैं brush करता हूँ. तो how often do you brush your teeth? Okay. He earns rupees 50,000 a month. How much does he earn? Right. I have many female friends. मेरे बहुत सारे female friends हैं. How many female friends do you have? Right. She lives with her uncle. वो uncle के साथ रहती है. किसके साथ रहती है? Who does she live with? With मतलब साथ. किसके साथ? Who with? Who does she live with? She lives with her uncle. He studies in class 12. In which class does he study? My mom cooks for me. मेरी मम्मी मेरे लिए खाना बनाती है. तो who के साथ जहाँ subject नहीं होगा वहाँ पे हम do does नहीं लगाते. Who does cook नहीं होगा. Who cooks for you? Who cooks for you? Who told you? What happened? तो ऐसे short sentence में we don't use do does. तो क्या हो गया यहाँ पे? Who cooks for you? My mother cooks for me, right? So these are the questions. Now, by seeing the answer, you are able to make questions, right? Aapne question banaya, answer dekhe, right? So, this is very good. So, next, put the verb into appropriate form. Yahan pe jo hai, verb diye hue hain, aapko correct form mein lagana hai, okay? Pretty simple. The dog bars at the stranger. Kutta bhookta hai. Bark is there. So, dog yahan kya hai? Singular. To kya ho jayega? Barks. B-A-R-K-S. Hame लगाना है S और ES according to the subject or first form, right? Good students always dash their teacher. Good students, बहुत सारे students हैं, तो plural है तो first form ही रहेगा, तो obey.
Good students always obey. Same रहेगा obeys नहीं होगा. Obey their teachers. The shops ये भी plural है. Plural होगा same रहेगा. First form में रहेगा right? The shops open at 10 o'clock daily right? The teachers ये भी plural है. Same रहेगा right? The teachers teach using Google Classroom right? पढ़ाते हैं. Girls always. Girls plural है तो first form में रहेगा. Girls always talk too much. Nothing that's forever, nothing is singular, nothing last में s आ जाएगा, nothing l a s t s last forever, कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहता, right? Neither of the boys means singular, तो क्या हो जाएगा? Neither of the boys comes daily, right? Parents always, parents means plural, parents always love their children. Okay, next one is mischievous students, naughty, शरारती बच्चे, students बहुत सारे हैं, तो क्या होगा? Mischievous students dash more and dash less. शरारती बच्चे ज्यादा बोलते हैं, कम काम करते हैं. Mischievous students work, sorry, talk more and work less. दोनों में first number है क्योंकि students बहुत सारे हैं, ठीक? Last number, we dash with eyes, dash with tongue and dash with legs. हम देखते हैं आंखों से. We see with eyes or taste with tongue and walk with legs. So these are the grammar, okay, in simple present tense. So today you have learned special how to make questions by seeing the answer. All right. So we have learned all simple present tense from last many videos. I have made around 8 videos, 9 videos. Okay, this is 9th videos of simple present tense. So I think your all the concept of simple present is clear here. So do practice. So we may practice and give you some more activities, some more exercise in the next video. Otherwise, I have completed and there are simple present tense here. So do more practice. If you have any problem, do comment me down in the section so that I can understand and I may help you make next video for your better understanding. So till then, do practice. See you on the next video next time. Till then, take care. Goodbye.